रिजवान क्या है? ये सुलह हुदैबिया के मौके पे जो दरख्त के नीचे ली गई थी, बैत रिजवान जो ली गई थी, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को किसका हाथ करार दिया था? हजरत उस्मान। 10 साल दौरे खिलाफत किसका था? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 तहरीकें चलाई थी, खत्म नबूवत के ऊपर काम किया था जी, एक वो और एक जो लोग ज़कात अदानी करते थे उनके। अस्वद अंसी के बारे में क्या जानते हैं? अस्वद अंसी ने भी जो है वो झूठी नबूवत का दावा किया था। हजरत सुमैया के साथ क्या हुआ था? पहली खातून शहीद थी इस्लाम की, उनके बेटे का क्या नाम था? हजरत अम्मार बिन यासिर। हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम को जिसने कत्ल किया उसका क्या नाम था? अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम। चारों खुलफाए राशिदीन के नाम तरतीब से बता रहा हूँ सर, मुझे चौथा याद नहीं आ रहा है, सॉरी टू से। हजरत अली का नाम किसी के अगर जहन में ना आए तो वो कंफ्यूज नहीं है? सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा किसके लहजे में बात कर रही थी? तो मैं बाबा अली का लहजा था, मौला बाबा अली। अली के नाम पे भी सेलेक्ट ना हुए तो फिर कहाँ से? दिल्ली से अंजाम अखबार निकलता था, वो मुसलमानों का तर्जुमान अखबार था, यानी कायदे आज़म को पहली मरतबा उसमें कायदे आज़म लिखा गया था, मोहम्मद अली जिना। अंजाम अखबार के एडिटर कौन थे? मौलाना अल्ताफ हसन अली। सरदार अली साबरी नाम था उनका, मेरे नाना थे। दांतों की हिफाजत के लिए इंसान को वैसे क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा क्या करे कि दांत वीना मलिक जैसे हो जाए? मैंने प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाई होगी, मतलब चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं बुलेंदा डोले दी मर्जी। ये तो आप कराची में बारिश के बाद चल रहे हैं। हुई बिन अख्तब ने इस्लाम कबूल किया था उनकी जो सफिया हजरत सफिया की शौहर थी, नहीं किया था? दूसरा कर लें कुछ आप, ये मैं यस और नो तो कह दूंगी लेकिन तुक्का होगा इसमें, मैं कंफर्म नहीं होंगी। हाँ सर दूसरा कर लें प्लीज, बहुत सारे लोग हैं वरना मैं जरूर कर लेता। सर कर लें प्लीज, मैं बिल्कुल कर लेता लेकिन सना बहुत लोग हैं, ठीक है ना सर? एक चांस दे दें, आपका दिल तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। डॉन अखबार से एक बहुत बड़ा खानदान वाबस्ता है, उस खानदान का नाम बताइए। जी जी बिल्कुल, रोड है उनके नाम पे, यहाँ ना वहाँ लिखी रोड ना यहाँ वहाँ लिखी बेटा। नाम मुझे मतलब मैं गुजरता भी था वहां से, मतलब गुजरा भी उतनी बात नहीं, तो गुजरे थे तुम इतनी वहां से तो रोड का नाम क्यों नहीं देखा फिर? नहीं ये याद है मुझे, याद है तो बताओ ना भाई। कोई बता रहा है हारून, हारून फैमिली। पहले जमाने में साइलेंट मूवीज आती थी। पिकासो का ताल्लुक किस मुल्क से था? इनका ताल्लुक ईरान से था। पिकासो ईरान से था, ये ईरान के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये मुझे बताएंगे कि नैब के जो नए चेयरमैन है उनका क्या नाम है? आई थिंक जफर महमूद उनके अभी सिलेक्ट हुए हैं नए, जो अभी चेयरमैन नैब के नए चेयरमैन जफर महमूद साहब सिलेक्ट हुए। बोटॉक्स क्या चीज होते हैं? स्किन को लिफ्ट करने का। अच्छा मुझे कब जरूरत पड़ेगी इसकी? 70 के बाद पड़ेगी। माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी है। जीएम सैयद के बारे में क्या जानते हैं? जीएम सैयद के बारे में सिंध के हवाले से उनकी कोई रेवोल्यूशन? जीएम सैयद के बगैर पाकिस्तान नहीं बन सकता था भाई। जी जी बिल्कुल, जीएम सैयद अगर करारदाद पेश ना करते तो पाकिस्तान, यार आप सिंध के लोगों का